आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोशल इनक्वालिटी का क्या मतलब है, इसकी जो मेजर टाइप्स हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोशल इनक्वालिटी क्या है। सोशल मतलब लाइक रिलेटेड टू पीपल, जब ज़्यादा से लोग मिल के एक जगह पे रहते हैं तो वो एक सोसाइटी बनाते हैं। सोसाइटी के अंदर वो एक दूसरे के साथ जो रहते हैं, जो उनका रिलेशन होता है, उसको हम सोशल कहते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी लाइक अनइक्वल, जब लोगों के दरमियान एक जैसा बर्ताव ना हो, डिफ्रेंशिएट किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, लाइक गरीब है उसको डिफरेंट वे से ट्रीट किया जाए, गवर्नमेंट उसको डिफरेंट वे से प्रोटोकॉल दे रही है, और जो अमीर है, ठीक है, जो पावर में है उसका जो बच्चा है उसको डिफरेंट वे से अनइक्वालिटी आ जाती है। मतलब इक्वली ट्रीट ना करना, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो सोसाइटी में जो लोगों को दूसरों के साथ डिफ्रेंशिएट करना, लोगों का कंपैरिजन करना, लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना, इन द सेंस ऑफ लाइक किसी के पास पैसा है, कोई ज़्यादा अमीर है, किसी के पास ज़्यादा पावर है, उसको उसी तरह ट्रीट करना, कोई गरीब है तो उसको गरीबों की तरह ट्रीट करना, ठीक है, उसके ये होती है अनइक्वालिटी। लाइक जो अमीर हैं, जो पावर में है, जो लाइक आर्मी पर्सन है, लाइक जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उनको डिफरेंट वे से अच्छी अच्छी जगह पे प्रोटोकॉल देना, हेल्थ इंश्योरेंस देना, उनको कंपनसेट करना, जो गरीब हैं ना उनको एजुकेशन में फैसिलिटी देना, ना हेल्थ में देना। तो इस तरह जो इनइक्वालिटी हमने सोसाइटी में डाली है ना, मतलब नाइंसाफ़ी जो डाली है, तो जो अनइक्वली हम लोगों को ट्रीट करते हैं, इसको सोशल इनक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। और बाकी ये इससे क्या होता है कि इसमें सोसाइटी में बहुत डिस्टरबेंस बनती है, ठीक है, किसी की क्लास को देख के, ठीक है, कोई अपर क्लास है, कोई लोअर क्लास है, तो ये सारी चीज़ें, एसेट का जो अनइक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन है एसेट्स, लाइक कोई जो वेल्थ है, ठीक है, जो दौलत है, जो पैसा है, उसका बराबरी से जो सोसाइटी में इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, उसको हम सोशल इनक्वालिटी बोल सकते हैं। लाइक जैसे आप अब्रॉड में देखेंगे, अब्रॉड में ये चीज़ नहीं है। अब्रॉड में अगर कोई गरीब है, लाइक कोई मैकेनिक, कार मैकेनिक है, तो उसके पास भी इतनी पावर है, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, ठीक है। सोशल इनक्वालिटी ज़्यादा आपको एशिया वाली साइड पर नज़र आ जाएगी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है, ये जो छोटे एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें सोशल इनक्वालिटी ज़्यादा आपको मिलेगी। इनका सिस्टम गवर्नमेंट का बहुत ख़राब है, ठीक है। उन्होंने अपनी बाहर जो ब्रिटिश साइड, यूरोप साइड, अमेरिका साइड, कनाडा साइड पे उन्होंने अपनी इकॉनमी को ऐसे सेट किया है कि हर बंदे के पास बाइंग पावर अच्छी है, हर बंदा चीज़ों को खरीद सकता है, ठीक है। आगे इसकी टाइप्स हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आ जाती है पॉलिटिकल सोशल इनइक्वालिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी सोशल इनइक्वालिटी जिसमें लाइक पॉलिटिकल लेवल पे जो है लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाए। लाइक जो पॉलिटिकल, जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके जो बच्चे हैं, जब वो पैदा होंगे तो वही ही पावर में आएंगे, वही पार्टी को चलाएंगे, ठीक है। नीचे से कोई बंदा ऊपर आने नहीं देंगे, सारी डिसीजन मेकिंग, सारे फैसले, सारे पार्टी को चलाना, मुल्क को चलाना, कंट्री को चलाना, सालों साल एक ही बंदा चला रहा है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना जो है वो चला रही थी, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में, ठीक है, दो तीन पार्टियां वही सालों से हुकूमत कर रही हैं, इंडिया में देख लें। तो ये क्या पॉलिटिकल सोशल इनइक्वालिटी है, ठीक है। आगे सेकंड पे इसकी टाइप्स आ जाती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक नाम से ही पता चल रहा है, लाइक फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, माली हालात से रिलेटेड, लाइक वेल्थ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, ठीक है। किसी के पास गरीब है, उसके पास गाड़ी नहीं, वो झोंपड़ी है, वो बाहर रह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, ना उसके पास पैसे हैं, ठीक है। इनकम से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, इनकम जो है वो अनइक्वली जो है डिवीजन हुई हुई है, ठीक है। ये इनकम जो है लोगों की जो है गरीब है उसको थोड़े मिल रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो जो नेसेसिटी है ज़िंदगी की, खाने पीने की चीज़ें, एजुकेशन, हेल्थ, वो ही नहीं पूरी कर पा रहा, वो डिप्रेशन में है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसमें जो बड़े बड़े हैं, जो पावर में लोग हैं, उनको दे देते हैं, गरीब को देते नहीं, ठीक है, जॉब नहीं मिलती उनको, ये सारी चीज़ें इन इकोनॉमिक इनक्वालिटी में आ जाती हैं, ठीक है। आगे इसकी थर्ड जो टाइप है उसमें आ जाता है सोशल क्लास इनक्वालिटी। लाइक लोगों की क्लास को देख के उनको ट्रीट करना, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, उनको उसी हिसाब से मेडिसिन देना, एजुकेशन देना, स्कूल, जैसे बड़े बड़े बच्चों के, बड़े लोग जो हैं लाइक पॉलिटिकल लेवल पे, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट लेवल पे, तो उनके जो बच्चे हैं वो ही बड़े स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सोशल क्लास इनइक्वालिटी होती है,
ठीक है। उसके बाद आ जाता है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी में क्या है, लाइक जेंडर नाम से पता चल रहा है कि मेल फीमेल को देख के आप उनका कंपैरिजन करें, ठीक है। कुछ जगह होती हैं जिधर जॉब में लाइक फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है, वाइट जो लड़की हैं उनको ज़्यादा जल्दी रख लेते हैं। उसके बाद लाइक अगर किसी के घर में लड़की पैदा हुई है तो उसको ज़्यादा मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है, जेंडर को देख के। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जेंडर इनइक्वालिटी में आ जाती हैं। आगे जो है हेल्थ इनइक्वालिटी आ जाती है। हेल्थ इनइक्वालिटी से नाम से पता चल रहा है कि जो मेडिसिन या हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट लेवल पे प्राइवेट लेवल पे वो आप इक्वली लोगों को नहीं दे रहे, ठीक है, इक्वली लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे। कुछ जो बंदे हैं जो हाई क्लास लोग हैं उनको अच्छी दे रहे हैं, उनको वो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए है, ठीक है, जो गरीब हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो मार रहे हैं सही, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी, लाइक अलग अलग इलाकों के जो रीजन के लोग हैं उनके दरमियान फ़र्क करना, डिफ्रेंशिएट करना, कंपैरिजन करना। लाइक अगर सिंध के लोग हैं तो वो पंजाब में आ गए हैं तो उनको हमने कहना ये अनपढ़ गवार जाहिल हैं, ये तो पढ़े नहीं। तो ये जो इलाका देख के इक्वालिटी करना, इनइक्वालिटी करना, इक्वली ट्रीट ना करना, इसको जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के लोग बाहर चले जाएँ तो बाहर के लोग कुछ समझते नहीं उनको, तो ये क्या जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।